तरी गंभीर नव्हते. जसं बाळासाहेब थोरात म्हणाले की या ठिकाणी खताच्या किमती जेव्हा वाढतात तेव्हा केंद्र सरकार सबसिडाईज करतं, परंतु आज आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेमध्ये खताच्या किमती कमी झाल्या आहेत, तरी देखील खतावरचं अनुदान कमी करून तोच भाव आज शेतकऱ्यांना त्याच किमतीने खतं विकली जात आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांची फसवणूक केंद्र आणि राज्य सरकार करते. आज या ठिकाणी शेतकऱ्यांना कर्ज देण्याबाबत ज्या बँका त्या ठिकाणी चालढकल करत आहेत त्याच्यावरती सरकारचा अंकुश नाही आहे. पूर्णपणे सरकारला या ठिकाणी शेतकऱ्यांचा जराही कनवळा नाही, शेतकऱ्याबद्दल जराही चिंता नाही. शेतकरी हवाल दिला आहे अशा परिस्थितीमध्ये विधानसभेमध्ये कृषी मंत्री ज्या पद्धतीचं उत्तर देतात त्यामुळे या सरकारला शेतकऱ्याबद्दल जराही चिंता नाही, कनवळा नाही, आणि त्यामुळे हे सरकार शेतकऱ्यांच्या बाबतीत निष्क्रिय आहे म्हणून विरोधी पक्षाने आज सभात्याग केला. काही हिंदी बोलो, काही हिंदी अच्छा आपने सभात्याग किया है. ऐसा हुआ कि दूसरे क्रमांक का जो प्रश्न था वो बियाने जो है और बियाने की कीमत और खतों के कीमत के ऊपर था, उसके भाववाड़ और उसकी जो सब्सिडी निकाली गई उसके ऊपर था. लेकिन जो सरकार में बैठे हुए हैं वो 15 दिन पहले कुछ बोल रहे थे और आज सरकार में बैठने के बाद में वो बिल्कुल बेजवाबदारी से उत्तर दे रहे, उत्तर ही नहीं दे रहे. वो लोग भाषणबाजी कर रहे, राजनीति कर रहे. देखो ऐसा है, खरीफ का हंगाम है, ये किसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण बात होती है. ये पीरियड जो है बीज बोना और उसके बाद में जो है उनको जो कीमत मिलती है वो ये जो बीज बोते हैं उसके ऊपर मिलती है. लेकिन बीज यदि बोगस निकलने लग गए तो किसान क्या करेगा? और इसके ऊपर जवाब ही नहीं है इन लोगों के पास में. खाद के भाव जो बढ़ा दिए हैं 800 से 1200 कर दिए, उसके ऊपर इन लोगों के पास उत्तर नहीं है. सब्सिडी निकाली गई है इसके ऊपर उत्तर नहीं है. और बोल नहीं सक रहे, आंखों में आग डालकर वो बात भी नहीं कर सक रहे. और वो ये समझते हैं कि सिर्फ भाषणबाजी से चलने वाला है, किसान के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा. सिर्फ भाषणबाजी नहीं चलेगी और इस तरीके से दादागिरी भी नहीं चलेगी, इसलिए हम लोगों ने वॉकआउट किया.